नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में हिंदी उर्दू समेत संथाली समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी और यहां के लोगों को यह उम्मीद थी कि इन भाषाओं के विस्तार के लिए, इन भाषाओं पर चर्चा हो, इन भाषाओं को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए शायद सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यहां की सरकार उदासीन है और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप भाषाई अल्पसंख्यक यदि हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए केवल बाधा ही बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी में आप अपनी भाषा में वो एग्जाम नहीं दे सकते। हम लोगों ने इसका समाधान निकाला था कि बेहतर होता कि यदि बंगाल में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, चाहे हिंदी स्कूल हो, उर्दू हो, संथाली हो, वहां एक सब्जेक्ट बंगला कंपलसरी पढ़ाया जाए, जिससे कि इन भाषा के छात्र छात्राएं भी बंगला सीख लें और बंगला में अपना एग्जाम दे पाए, एक पेपर बंगला भी दे पाए। लेकिन यहां की सरकार इतना उदासीन है, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद हमें बंगला पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ आप हमें बंगला पढ़ने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अपनी भाषा में सरकारी जो नौकरियां हैं उसके एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहां की सरकार ये कह दे रही है कि भाई बंगाल में तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविन्द्रनाथ का बंगाल है, जिन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को नहीं बांटा। ये बंगाल ऋषि बंकिम का बंगाल है, ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल जीवनानंद दास का बंगाल है, ये बंगाल विमल मित्रों का बंगाल है, ये बंगाल महाश्वेता देवी का बंगाल है। इस बंगाल को आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं बंगाल में रहने वाले वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी यहां की सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अंततः हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है कि पूरे बंगाल के जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें संगठित करके सरकार के खिलाफ रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बंगाल के करीब करीब 65-66 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों को संगठित करके और आने वाले 15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में हम एक बड़ी जमायत की योजना कर रहे हैं। इसके लिए सब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने मेल करके जानकारी दे दी है कि दिसंबर महीने के 15 तारीख को हम यहां पर जमायत होकर अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ कानूनी जो पहलू है इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है कि कानूनी रास्ता कैसे निकाला जाए। कोर्ट में जाकर यहां की सरकार जो हमें बंगला पढ़ने से वंचित कर रही है, हमें बंगला नहीं पढ़ने दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हम बाहर के लोग हैं ऐसा एक लेबल लगा दिया जा रहा है, इससे कैसे बचा जाए इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना भी हम बना रहे हैं। बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति बंगाली है, इनको बाहरी कहना नहीं चलेगा और हमें बंगला पढ़ने का अवसर देना होगा। हम भी बंगला पढ़ना चाहते हैं, हमारी मातृभाषा दूसरी हो सकती है लेकिन बंगाल में जब हम रहते हैं तो हम बंगला पढ़ना चाहते हैं, बंगला सीखना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों में हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं वहां पर बंगला पढ़ाने की व्यवस्था यहां की सरकार को करनी पड़ेगी और जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक हमें अपनी भाषा में जो भी सरकारी नौकरियां निकल रही है, जिस वैकेंसी निकल रही है वहां अपनी भाषा में एग्जाम देने का अवसर हमें देना पड़ेगा। और ये मेजोरिटी बंगला भाषी जो लोग हैं बंगाल के वो भी चाहते हैं कि बंगाल में कोई बंटवारा ना हो, भाषा के आधार पर कोई बंटवारा ना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें यहाँ का जो शासक पार्टी है उसका समर्थन प्राप्त है, वो कभी कहते हैं छठ पूजा बंद कर देना चाहिए, कभी दूसरा कुछ कहते हैं, इस तरह समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में विभेद लाने का काम वो कर रहे हैं जिसके खिलाफ बंगाल में रहने वाले हर लोग, बंगला भाषी लोग, हिंदी भाषी लोग, उर्दू भाषी लोग, संथाली जो भी है, हर व्यक्ति इसके खिलाफ मुखर है और गिने चुने कुछ असामाजिक जो लोग हैं उन्हें बंगाल के समाज में विद्वेष फैलाने की अनुमति हम नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम मुखर होंगे। और साथियों आपसे निवेदन है कि इसके लिए अपने आप को संगठित करें और 15 दिसंबर को
15 दिसंबर को कलकत्ता के धर्मतला में 2 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर यहां की सरकार को यह बता दे कि आप यदि अन्याय करेंगी, आप यदि हमारे अधिकारों का हनन करेंगी, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी नियम है, जो भी हमें अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फेशियल, मैनिक्योर बा पेडिक्योर, वैक्स, हेयर कट, हेयर ट्रीटमेंट थेके शुरू करे नेल एक्सटेंशन, मेहंदी, ब्राइडल बा पार्टी मेकअप सह नारी साजेर समस्त परिसेवा निये आपनार शहर काछरापाड़ा एसे गेल ब्यूटी लॉर्ड पार्लर। आईब्रो, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, डिटेन, एवरी फेशियल, हेयर ट्रीटमेंट अवेलेबल। थैंक यू सो मच। আধুনিক নারীর নতুন সাজঘর।